हिंदी बिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा, बोली, डीपी और व्याकरण। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा, भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा किसे कहते हैं? क्लियर। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्लियर बच्चों? यस मैम। भाषा के रूप, भाषा के मुख्य दो रूप माने जाते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। स्पोकन और रिटन। रिटन आप पढ़ने में आ रहा बच्चों? आप पढ़िए। भाषा के मुख्य दो रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। मातृभाषा किसे कहते हैं सौरभ? मातृभाषा किसे कहते हैं? क्या लिखा, पढ़िए। मातृभाषा वह भाषा जो बालक अपनी माँ और परिवार से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। कहलाती है। राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जो देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। बच्चों समझ में आ रहा है ना? यस मैम। राष्ट्रभाषा कहलाती है, जैसे जापान की राष्ट्रभाषा क्या है? जापानी। गुड। चीन की राष्ट्रभाषा? चीनी मैम। बहुत अच्छे। हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा? हिंदी मैम। हिंदी। राज्यभाषा वह भाषा जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है, राजभाषा कहलाती है। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, परंतु अंग्रेजी को भी सह राजभाषा के रूप में जारी रखा गया। क्लियर। बोली, बोली भाषा का अल्प विकसित व क्षेत्रीय रूप है। आमतौर पर बोली में लिखित साहित्य नहीं होता, जैसे भोजपुरी, बुंदेली। लिखित भाषा में लिपि, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हें लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां। भाषा लिपि, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। चार भाषा है, चार भाषा का लिपि एक ही है, कौन सा है? रेज़ योर हैंड, कौन बच्चा बताएगा? अभिषेक, क्या होगा बेटा बताइए, चार भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी। बेटा आप लोगों को समझ में आ गया ना? सौरभ क्या लिखा हुआ, पढ़िए बेटा। देवनागरी। देवनागरी। गुड। भाषा लिपि, फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी, तीनों की लिपि क्या है? आयुष बेटा बताइए। रोमन मैम। रोमन। पंजाबी, पंजाबी की लिपि क्या है? सक्षम। गुरुमुख मैम। गुरुमुखी। गुरुमुखी। उर्दू, उर्दू का सुफीर बताएगा, क्या होगा बेटा? फारसी मैम। फारसी। अब आप लोगों को समझ में आ गया ना भाषा और लिपि? यस मैम। बोलिए। यस मैम। व्याकरण के ज्ञान से क्या लाभ है? व्याकरण के ज्ञान से क्या लाभ है? किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, इन नियमों का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। क्लियर बच्चों? यस मैम।
अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। जैसे जाएंगे बाजार कल सब हम, ये बताइए शुद्ध वाक्य है कि अशुद्ध वाक्य? अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य है। होना ये चाहिए हम सब कल बाजार जाएंगे, यह वाक्य जो है शुद्ध है। यह ज्ञान हमको किससे प्राप्त होगा, कहाँ से शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान हमको मिलेगा? व्याकरण की दृष्टि से, ठीक। व्याकरण से जाएंगे तो शुद्ध और अशुद्ध का। बच्चों इधर ध्यान दीजिए, अब हम आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे, आप लोग बताइएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, खाली स्थान है उसमें भरने के लिए आंसर आप लोग बताएंगे। भाषा शब्द संस्कृत की डॉट डॉट धातु से बना है, यहाँ पे क्या बोला जाएगा? भाषा। भाषा के दो रूप डॉट डॉट तथा है, सौरभ क्या है बेटा? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। लिखित मौखिक तथा लिखित। भारतीय संविधान में डॉट डॉट भाषाओं का भाषाओं को मान्यता दी गई है, कितनी भाषाओं को? 22 में। 22 भाषाओं। भाषा नेपाल, हाँ भाषा और लिपि, क्लियर, दो कॉलम बना हुआ है। नेपाली की, हाँ नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी में। देवनागरी। देवनागरी। उर्दू सक्षम, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी में। फारसी। संस्कृत, संस्कृत भाषा की लिपि क्या आयुष क्या होगा बेटा? देवनागरी में। देवनागरी। अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा का फॉर्म बताएगा? रेज योर हैंड। रोमन है। अंग्रेजी भाषा का रोमन। ये बच्चों अब आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सबको समझ में आ गया ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।